तारीफ जात वाजिब के लिए और दुरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं माजरत खा हूं कि आपको इस मौसम की सख्ती के बावजूद देर तक यहां बैठना पड़ा और अब क्योंकि हम बहुत जल्द इस जश्न को खत्म कर रहे हैं इसलिए इतना वाज़ह कर दूं कि 9 बजे हमने इस जश्न को शुरू किया था और इस वक्त 10:40 हुए हैं, यानी जो कुछ हजरात शोरा ने अपने अफकार को और मुकर्रीन उजाम ने अपने ख्यालात को आपके लिए हदिया किया वो सब इस मुख्तसर से वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह अंजाम को पहुंचे। मैं कुछ दकीके लूंगा और आपके लिए दुआ करूंगा। सबसे पहले मैं कारकुनान इदारा को हदिया तबरीक पेश करना चाहता हूं कि यहां के काम करने वालों ने दिन और रात की मुसलसल कोशिशों के बाद आपके लिए एक ऐसे मकाम को और एक ऐसी जगह को दुरुस्त किया, संवारा के जिस पर आप नाज कर सकें और ये कोशिशें उनकी यकीनन बेकार नहीं जाएंगी और खुदावंद आलम उनकी मुरादों को भी बर लाएगा। आज शाबान की 5वीं तारीख की शब है और ये शब मंसूब है हजरत अली इब्न अल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन मालूम नहीं के किस मुफक्किर को खुदावंद अली आला ये तौफीक देगा और कौन लिखने वाला इस जहमत को बर्दाश्त करेगा कि वो एक मुकम्मल समानह हयात इस इमाम मजलूम की तैयार करे। इसलिए कि इस इमाम का
زمانے امامت 35 برس پر محیط ہے اور یہ 35 سال اتنے مصروف گزرے ہیں کہ دنیا ظلم و عدوان و بدعت و کفر کی یہ سمجھ رہی تھی کہ کربلا میں اب دین حق کا خاتمہ ہو چکا اور اب احکام رسول کو سند کے ساتھ بیان کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. ایسے موقع پر اس 35 سال کے عرصے میں تنہا ذمہ داری اس امام مظلوم کی تھی کہ نصوص رسول کی حفاظت کرے, احادیث قطعی مرتبت کی حفاظت کرے, امیر المومنین کے ارشادات کی حفاظت کرے, حسن ابن علی کے خطب کی حفاظت کرے, حسین ابن علی کے احکام کی حفاظت کرے, جناب سیدہ کی دعاؤں اور ان کے خطبے کی حفاظت کرے, اور اس طرح سے اس ایک معصوم کا فریضہ یہ قرار پایا کہ پنجتن کی واحد نشانی بن کر پنجتن پاک کے سارے علمی سرمائے کو جو دین حق کی بنیاد ہے اس طرح سے محفوظ کر لے کہ کفر کی دنیا حیران ہو جائے کہ کربلا میں جو گھر یوں لٹا تھا وہاں علم بھی بچ گیا, معرفت بھی بچ گئی, زہد بھی بچ گیا, تقویٰ بھی بچ گیا, توحید الہی کا تصور بھی بچ گیا, عقائد بھی بچ گئے, فروع دین بھی بچ گئے. یہ ذات گرامی فقط سید السادتی یہ وہ ہمت عالی ہے, یہ وہ بلند ظرف ہے کہ جس نے یہ عہد کر لیا تھا کہ ایک جملہ بھی ان کے جد کے ارشادات میں سے ضائع نہ ہوگا, اور اگر امام حسن عسکری بھی 256 میں روایت کریں گے تو ان کو مجھے اپنے سلسلے میں رکھنا پڑے گا کہ میرا سلسلہ روایت جاتا ہے علی ابن الحسین تک, اور علی ابن الحسین نے سنا حسین ابن علی سے. ہر روایت پر ہر امام نے اس امام کا نام لیا ہے کہ ہم نے اپنے جد علی ابن الحسین سے سلسلے میں سنا ہے. کوئی روایت آپ کے فقہ کی, کوئی روایت آپ کے فروع کی, کوئی روایت آپ کے اصول کی ایسی نہیں ہے جس میں سید سجاد واسطہ نہ ہو.
समझ रहे हैं कि फकत यही नहीं कि 35 बरस रोते रहे, फकत यही नहीं कि 35 बरस मातम करते रहे, फकत यही नहीं कि 35 बरस गोशा नशीं या उजलत गजी रहे, नहीं 35 बरस तक, 35 बरस तक इस्लाम की बुनियादों को इस तरह मुस्तहकम किया, इस तरह से तक से मुस्तहकम किया कि फिर उसके बाद कोई करबला कायम न हो सके। इस तरह से मुस्तहकम किया कि फिर किसी की हिम्मत न हो सके कि ये कह सके कि जुल्म के आलम में, इस्तबदाद के आलम में इस घराने ने अपने तरीके को बदल दिया था। मेरी गुफ्तगू को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आज हमको कोई सनद से यह साबित कर दे, कोई सनद से यह साबित कर दे कि बाद करबला असीरी के आलम में नमाज इस तरह से पढ़ते थे जो तुम नहीं पढ़ रहे हो, अगर आज कोई हमको यह साबित कर दे, इतने रावी मौजूद के पूरा लश्कर साथ है और जंजीरें पहने हुए वो नमाज पढ़ रहा है, तो कोई तो रिवायत करता कि हाथ बांधते थे। इमामत थी या कुव्वत नयाबत रसूल थी, यह तय कर लिया था कि जो हक है वही होगा, करबला हो या कुछ और, मगर हम में कोई तब्दीली नहीं। तकिया वाजिब, बहुत बहुत तकिया वाजिब, मगर गुलामों की हिफाजत के लिए यह हुक्म है कि खबरदार अपनी जान को हलाकत में न डालो, मगर वो जो अपनी जान को हलाकत में डाल के यूं नमाजें पढ़े, वो अपने लिए जरूरी नहीं समझता कि मैं भी अपने आप को छिपाता जाऊं, मैं भी अपने आप को पर्दे में रखता जाऊं। उसने अपने आप को जाहिर किया, तुमको हुक्म दिया कि अगर जान बचाना हो तो अपने को छिपा लो। इतना फर्क है इमाम में और मामूम में। आपने देखा कि अगर जर्रा बराबर भी किसी को मौका मिलता तो जहरी उस जमाने का मशहूर रावी है और ताबईन में सईद इब्ने मुसय्यब मौजूद है और फिर ताऊस यमानी मौजूद है, हसन बसरी मौजूद है, रुवात में एक से एक बढ़ के राजी। मगर हमको नादिम बनाने के लिए या हमारा सर झुकाने के लिए
या हमको शर्मिंदा करने के लिए कहीं से कोई ऐसी रिवायत निकाल कर बतला दे कि बाजा करबला तकियतन तुम्हारे इमाम ने नमाजियों पर ही कोई गुंजाइश न मिल सकी, कोई गुंजाइश न मिल सकी। अगर जर्रा बराबर कोई गुंजाइश किसी को मिलती तो आज आप इस मौकफ में न होते, यह सरबलंदी न होती, यह रफ़तें यह अजमतें न होती। बतला दिया कि हम अहद के पक्के और वादे के सच्चे वो रिजाल हैं कि जाने वाले जा चुके, हम अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं, मगर एक अहद को पूरा करना है, उसको पूरा करेंगे। नाना से यह मिला है, इसको उम्मत तक पहुंचाना है। ऐसे मौके पर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, आप हाथ क्यों खोलते हैं, नमाज में आप हाथ क्यों खोलते हैं? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि दूसरे फुकहात कोई भी मदनी नहीं है, मैं इस जमीन से वाकिफ हूं, इस जमीन पर आने वाले के आदाब को जानता हूं, मदनी हूं, मुझे मालूम है कि मस्जिद मदीना में किस तरह से नमाज पढ़ी जाती थी। इमाम मालिक ने रसूल को नहीं देखा है, मगर अहले मदीना के आदाब को देख के इस्तदलाल कायम किया कि मदीने वाले इस तरह से नमाज पढ़ते हैं, इसलिए मैं भी इस तरह से नमाज पढ़ता हूं। तो दूसरे मकातीब फिकी ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह पर एतराज नहीं किया, का दुरुस्त है, आप मदीने के शहर पर जाएं तो फकत मदीने में रहकर और मदीने वालों के आदाब को देखकर अगर कोई हाथ खोल दे और अगर कोई ये कहे अरे मैं तो उन्हीं का पोता हूं, मैंने फिका की एक मिसाल दी है, एक एक, और फिर नमाज पढ़ने वाले ये देखते थे कि खाके शफा सामने मौजूद है। सबों ने लिखा कि खाके शफा पे सजदे होते थे, किसी ने ये नहीं कहा, किसी ने ये नहीं कहा कि बगैर खाके शफा के किसी ने आपको पाया हो। तो इस एतबार से गुलामों की हिम्मत अफजाई हुई, गुलामों की हिम्मत अफजाई हुई और अंदाजा किया कि इमाम वही है, इमाम वही जो अपने मुसलसल जिहाद से, मुसलसल जिहाद से यह मनवा दे कि हमारी तासी करने वालों को और हमारे ततब्बु में आने वालों को कभी नदामत से दो चार होना नहीं पड़ेगा, कभी वो शर्मिंदा नहीं होंगे, कभी खजिल नहीं होंगे। तो देखिए एक पहलू जिंदगी का कि 35 साल का अरसा है, 35 साल नहजुल बल्लागा की हिफाजत इसी इमाम ने की है, पूरे खुतबों के रावी यही इमाम है, यहां तक के शाम में जनाब ज़ैनब के खुतबे के रावी आबिद बीमार हैं, जनाब सैयदा के खुतबे के रावी दरबार में, सैयदा का खुतबा रावी इमाम है,
क्या क्या वक्त सर्फ हुआ है, कैसे सर्फ हुआ है। फकत यही कहना कि बस दिन और रात रोते थे, उसके माना ये है कि अभी किसी सवानह निगार को मौका नहीं मिला है कि वो मुस्नद सैयद सज्जाद तैयार करे, वो उन रिवायात को जमा करे कि जो रिवायात सैयद सज्जाद से मिलती हैं। मेराज के मुतालिक क्या कहा, महशर के मुतालिक क्या कहा, तौहीद के मुतालिक क्या कहा, अदल इलाही के मुतालिक क्या कहा, उसूल में क्या कहा, फुरू में क्या कहा, बाबुद दियात में क्या कहा, बाबुद तहारात में क्या कहा, मवारिस के सिलसिले में क्या कहा, मनासिक हज कैसे बतलाए। अल्लाह अल्लाह, पूरी फिका और पूरे उसूल इसी सर चश्मे से उबलते हैं। और इत्तेफाक यह है कि इमाम बाकर के जिनको दुनिया फिका की अपना उस्ताद मानती है, वो हर फिका के मसले को बयान करते हुए ये कहते हैं कि मुझसे मेरे पदरे ग्रामी अली इब्नुल हुसैन ने यह कहा। तो यह बहुत ही अजीब तारीख है, बहुत ही अजीब तारीख। सवान है निगार को मौका नहीं मिला, क्यों? इसलिए कि अभी तक आगाज ही में, आगाज ही में हम उलझे हुए हैं। अभी तक गुफ्तगु बिअसत से लेके 11 हिजरी तक ही है, ज्यादा से ज्यादा है तो 60 और 61 हिजरी तक, बाद करबला तक बस, उसके बाद मौका नहीं मिला, अभी नहीं मिला। और यही वजह है कि अभी जमाना बहुत बाकी है, बहुत जमाना बाकी है। वो वक्त आएगा, वो वक्त आएगा जबकि आपकी नस्लें उन किताबों को एक जगह करें कि क्या जखीरे हैं आपके पास जो इन आइम्मा से आपको मिले, इन आइम्मा से आपको मिले, उसूल फुरू फिक, इल्म उसूल फिक, और फिर मारिफ, तफसीर कुरान, ये सारी चीजें इसी आस्ताने से मिली। यानी कहा होगा एक एक आम्र हुसैन इब्न अली ने अपने बेटे को, मगर ये अजीब बात है कि हम उस दौर में कुछ नहीं पाते। रावी खामोश, उलमा खामोश, दौरे हुसैनी में कुछ नहीं मिलता सिवा इसके 28 रजब को सफर शुरू किया, 30 शाबान को मक्का पहुंचे, 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे, 10 मुहर्रम को शहीद हुए। ये एक सिलसिला है। रावी चुप है, मगर सैयद सज्जाद ने बतलाया कि वो जो 10 बरस मेरे बाबा की इमामत के थे, उसमें से एक एक दकीका कदर का दकीका था, और मैंने जो कुछ लिया है मेरे बाबा से लिया है, उन्होंने अपने भाई से लिया, उन्होंने अमीर मोमिनीन से लिया। तो इस एतबार से किसी की मुद्दत इमामत के सिलसिले में आप कभी भी मुश्तबक न हो कि इस दौर में क्या हुआ। नहीं, हर दौर में हर इमाम कोशिश इस उम्र की है कि एक तरफ उसूल महफूज हो जाए, दूसरी तरफ फुरू में, उसूल महफूज हो जाए फुरू में। मगर इस इमाम की खसूसियत यह है कि जहां दुश्मन ये समझ रहा था कि अब ये घर सदियों न संभलेगा, ऐसा उजड़ा कि फिर न आ
برباد ہوا جہاں دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ اب یہ گھر صدیوں نہ سنبھلے گا وہاں فوراً بعد کربلا ایک ایسی درسگاہ قائم ہوئی ایک ایسا مکتب قائم ہوا ایک ایسی راہ بتلا دی کہ دنیا آج تک حیران ہے کہ ایکائک کس طرح سے امام نے عزم کیا اور کس طرح سے مدینے والوں کو مکے والوں کو اور عالم اسلام کو یہ پیغام دیا کہ جس راہ کو پیش کر رہا ہوں وہ راہ میرے جد کی ہے میں اولاد ابو طالب سے ہوں ڈرتا نہیں ہوں میں علی کا پوتا ہوں خوف نہیں کرتا میں حسین کا بیٹا ہوں مصائب سے نہیں گھبراتا بندگی کی راہ فقط یہی نہیں ہے کہ صبح سے شام تک اس کی عبادت کروں بندگی کی راہ یہ بھی ہے کہ دوسروں کی سعادت کی بھی کوشش کروں فقط میری سعادت نہیں سعادت نو سعادت بشر اس کی بھی کوشش کروں اور سعادت بشر کی کوشش میں ایسے کامیاب ہوئے کہ کیا بتلاؤں آپ کہ امام صادق اگر روایت کرتے ہیں تو یہی کہہ کے روایت کرتے ہیں کہ یہ میرے جد کی روایت ہے امام زین العابدین کو سلسلے میں لاتے ہیں امام رضا اگر روایت کرتے ہیں تو امام زین العابدین کو سلسلے میں لاتے ہیں امام تقی جواد اگر روایت کرتے ہیں تو سید سجاد کو سلسلے میں لاتے ہیں کہ ہم نے اپنے پدر گرامی سے سنا انہوں نے اپنے پدر گرامی سے سنا یہاں تک کہ یہ سلسلہ سید سجاد تک جاتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ باوجود کربلا آپ کے اصول کا رہ جانا باوجود کربلا آپ کے فروع کا باقی رہ جانا باوجود کربلا آپ کے شعار کا رہ جانا باوجود کربلا آپ کے طریقہ زندگی کا باقی رہ جانا یہ سب مرہون منت ہے عابد بیمار کا سید الساجدین کا مرہون منت طے کر لیا کہ یہ رہے گا یہ سلسلہ رہے گا اور پھر کبھی یہ نہیں کہا کہ کس کا حق ہے اور کس کا حق تھا کبھی یہ نہیں کہا کہ کس نے کس کا حق چھینا کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے دادا اکبر تھے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے باپ حق پر تھے کچھ نہایت خاموشی سے احکام کی نشر و اشاعت کی اب جو حکم کے بعد حکم دیتے چلے تو ہر حکم پکارتا چلا کہ ان کا باپ بھی حق پر تھا ان کا دادا بھی حق پر تھا یہ گفتگو اب یہاں رکے گی اس کے بعد میں پھر کہتا ہوں کہ ان کی سوانح حیات کو لکھنے والا معلوم نہیں کب آئے گا مجھے اس ہفتی کا انتظار کہ کس کو خداوند علی اعلی یہ توفیق عطا کرے کہ ان کی سوانح حیات لکھے آپ کو معلوم ہے کتنی جلدوں میں لکھی جائے گی یہ کتاب کتنی جلدوں میں یہ کتاب لکھی جائے گی عابد بیمار کی سوانح حیات میرا مختصر اندازہ یہ ہے
کہ اس کی 100 جلدیں ہوں گی اور شاید یہ جلدیں بھی کافی نہ ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہی ایک درمیان کی کڑی ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو تفسیر کوثر نہ ہو. تفسیر کوثر نہ ہو یعنی اگر یہ نہ ہو تو اولاد رسول کا نام نہ ہو. اب کتاب کا لکھنے والا کس کس کے شجرے کو لکھے اور کس طرح سے لے جائے سید الساجدین تک. زیدی سادات یہ تقریباً کئی مجلدات میں آئیں ان کے کارنامے. پھر مرعشی سادات ان کے کارنامے کئی مجلدات میں آئیں. آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ امام کی زمانے عمری کیسے ہوگی, یہ امام ہی کی زمانے حیات ہوگی کہ جب یہ بتلایا جائے گا کہ بیٹے نے پوتے نے اولاد نے اپنے جد کے عقائد کو اس طرح سے باقی رکھا. اگر دیکھنا ہو تو قاضی نور اللہ شوستریہ مرعشی کو دیکھا, دار پلٹ کے ہوئے ہیں اور سید الصادقین کے احکام کی تبلیغ کر رہا ہے. معلوم ہے مرعشی سادات یہ ہو سب کے سب سید الساجدین کی اولاد, قاضی نور اللہ شوستری انہی کے پوتے ہیں, سید الساجدین کے سلسلے سے. اور پھر اب گفتگو یوں کرنی پڑے کہ انہوں نے کیا لکھا, امام نے کیا کہا, انہوں نے کیا لکھا, امام نے کیا کہا. احقاق الحق کیا ہے, سواری میں محرقات کیا ہے, ساری کتابوں کو دیکھنا پڑے گا. ایک ایک اولاد میں سے ان کی ایک ایک عالم کی کتابوں کو دیکھنا پڑے گا کہ کن عقائد کو پیش کیا. سمجھ؟ تو اس طرح سے یہ دوسرا باب جائے گا کہ اصول و فقہ کی تدوین کے بعد یہ ذمہ داری بھی لے لی کہ تم نے گھر اجاڑا تھا, میں بساؤں گا, میں بساؤں گا, اور یوں بسے گا کہ پھر نہ اجڑ سکے گا, پھر نہ اجڑ سکے گا. انا تینا کل کوثر, اور جو ان کے مقابل پہ آئے گا وہ ابتر, وہ ابتر, اس کی فکر ابتر, اس کا شعور ابتر, اس کے مقاصد ابتر. اور اس طرح سے کوثر کی تفسیر سید الساجدی, یعنی اب وہ سادات جعفری ہوں یا سادات موسوی ہوں یا سادات رضوی ہوں یا سادات تقوی ہوں یا سادات نقوی ہوں, سب کا سلسلہ وہیں سے آ رہا ہے نا. کربلا میں ایک ہی تو بچا. اس طرح سے ساری دنیا کے اب سادات کو ایک جگہ کرو, ایک ایک کا نام لکھو, ان کے نسب کو لے جاؤ تو پتا چلے گا کہ سید الساجدین کی سوانح عمری اب مکمل ہوئی. کتنا بڑا احسان, کتنا بڑا احسان ہے سید الساجدین. دنیا سمجھ رہی تھی کہ یہ کیا بچے گا, چھوڑو اس کو,
करबला में यही कह के छोड़ा कि बीमार है छोड़ो, करबला में यही कह के बीमार है छोड़ो। और मैं रजविया कॉलोनी में अपनी तकरीर के दौरान में मैंने एक बायत पढ़ी थी, वो मीर अनीस की बायत है और मरसिया है, नमक के खाने तकद्दुम है फसाहत। तो उसमें जनाब ज़ैनब ने यह कहा है, यह अनीस ही को हद पहुंचता है और मैंने जैसा कि कहा कि मेरे दिल पे यह नक्श है और मैं इस नक्श को ले जाऊंगा। कहियो आबिद से यह पैगाम मेरा बादे सलाम, कहियो आबिद से यह पैगाम मेरा बादे सलाम, गश्ते तुम फिर गए दरवाजे तलक आके इमाम। अरे किस गजब का मिसरा दे दिया, कहियो आबिद से यह पैगाम मेरा बादे सलाम, गश्ते तुम फिर गए दरवाजे तलक आके इमाम, कैद में फंस गए न घबराइयो तुम आए गुलफाम, काटियो सब्र रजा से सफर कूफा शाम, नाम मझधार में है जोर तला तुम जानो, ना खुदा जाता है घर जाने बस अब तुम जानो। आप याद रखेंगे ये पंग हमेशा याद रखने के खाते, हर एक बच्चे को याद दिलाए। कहियो आबिद से ये पैगाम मेरा बादे सलाम, गश्ते तुम फिर गए दरवाजे तलक आके इमाम, कैद में फंस के न घबराइयो तुम्हें गुलफाम, काटियो सब्र रिजा सफर कूफा शाम। मैंने दोबारा पढ़ा इस बंग को फकत एक लफ्ज को बताने के लिए, ना मझधार में है जोर तला तुम जानो। या इमाम ने दूसरे इमाम से कहा कि पहले वजन कर लो कि कुफ्र की मंजिल क्या है, पहले देख लो कि मुकाबिल पे कौन है, ताकि जब तुम क्याम करो तो अंदाजा करो कि किस कुव्वत जहाद की जरूरत है। नाव मझधार में है जोर तला तुम जानो, ना खुदा जाता है घर जाने बस अब तुम जानो। तो पूरे घर को इमाम के हवाले किया, घर को इमाम के हवाले किया, नहीं नाना के तबर्रुकात को, नहीं अंबिया की विरासत को, नहीं अल्लाह के अहकाम को, नहीं दीन हक को, कि सैयद सज्जाद ये सब तुम्हारे हवाले। अब मैं ये नहीं कहता कि तुमको क्या करना है, अब तुम जानो। अजीब बात है, फिर सुनिए, नाव मझधार में है जोरे तला तुम जानो, देखो तो कि मुखालिफ कुव्वतों का क्या हाल है, इनमें कितना जोर है, अंदाजा लगाओ, अंदाजा लगाओ, कूफे तक लगाओ, शाम तक अंदाजा लगाओ।
मस्जिद में रह के अंदाजा लगाओ, मगर बेटा जब एक मर्तबा अंदाजा हो जाए कि कुफ्र का वजन ये है, तो फिर हक को इतना वजनी कर दो कि कुफ्र हल्का पड़ जाए। तो ये है आबिद बीमार, ये है आबिद बीमार कि इतनी बड़ी अमानत को लेकर चले, इतनी बड़ी अमानत को लेकर चले और इतनी बड़ी अमानत को मुंतकिल किया, मुंतकिल किया। मैंने रहमत दी, मालूम नहीं मुझको हकीकत में कितनी देर तक इस उन्वान पर गुफ्तगू मकसूद थी और कितने अहम मकामात हैं जिनको अदा करना है। लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता, खुदावंद आलम आपके तौफीकात में इजाफा करे और अल्लाह यहां के कारकुनों को और हिम्मत दे और यह इमारत जाहिर है कि अपनी तकमील में और बहुत ज्यादा सर चाहती है, कौम इधर भी मुतवज्जे हो कि उसको कहां तक मदद करनी है और वो किस तरह से इस इमारत की तामीर में मदद देकर अपना नाम भी उस फहरिस्त में लिखवाएंगे जहां मजलूम और आबिद बीमार शुक्रिया अदा करें कि मेरा घर बन गया, मेरा घर बन गया। वो एक पाई सही मदद में न शर्माओ, इसलिए कि कैफ यकिल्लु मा युतकब्बल, उसको कलील नहीं कहते जो कबूल हो जाए, उसको कलील नहीं कहते जो कबूल हो जाए। इसलिए जो तुम दे सकते हो, जो तुम दे जब दे सकते हो गुरेज न करो, इसलिए कि आज जो मौकफ तुमको हासिल है वो इन्हीं की वजह से, इन्हीं की वजह से है। यजीदी ताकतों ने यह तय कर लिया था कि कर्बला में सबको खत्म कर दे, सबको खत्म कर, मगर कर्बला से उभरने वाला यह तय करके चला कि मैं सारी यजीदी ताकतों को खत्म कर दूं, मैं सारी कुफ्र की ताकतों को खत्म, फिर इनकी कब्रें भी न मिलेंगी, फिर इनके निशानात भी नहीं मिलेंगे, फिर इनके चाहने वाले भी नजर नहीं आएंगे, फिर इनके नाम पर नाम रखने वाले भी न मिलेंगे। यह मंजिल है कि जाओ मेरा मौला आका बारगाह रब्बुल इज्जत में सरफराजी पाता है, हजरत खत्मी मर्तबत को इल्म है और इल्म रसूल इल्म है कि हुसैन का बेटा कौन है, हुसैन का बेटा कौन है। इसलिए सईद इब्ने मुसय्यब ने रिवायत की इब्ने अब्बास ने रिवायत की सरकार रिसालत के इरशाद फरमाया, महशर के दिन जब सब जमा होंगे तो एक मर्तबा कायम अर्श के पास मलक मुकर्रब खड़े होकर पुकारेगा, ऐन ज़ैनुल आबिदीन, कहां है आबिदों की ज़ीनत, इमाम आपके खड़े हो जाओ। ये एक ही मासूम के लिए है बादे करबला, कहां है ज़ैनुल आबिदीन, इमाम खड़े, यानी ये वो है जिनसे सारे सिलसिले मिलते हैं, ये वो हैं
कि जो एक वाहिद कड़ी है, वाहिद कड़ी है, हम में और कबले करबला, हम में और अमीरुल मोमिनीन हसन इब्ने अली, और इस तरह से फकत अब यही नहीं गौर करना है कि जिंदगी किस रंजो अलम में गुजार दी, इस तरह से भी गुजार देखना, इस तरह से भी देखना है कि रावी ने पूछा, एक छोटा सा मसला फिका, रावी ने पूछा कि अगर कोई जहन से किसी चीज को पढ़े तो आपका क्या ख्याल है, आवाज, तरन्नुम का लहन, तरन्नुम ममदू है, मजमूम नहीं है, बुरा नहीं है, बेशर्ते के जिक्र खुदा में हो। ये कहकर मासूम ने हवाला दिया इमाम रिजा ने अपने जद का, और कहा मेरे जद सैयदुस्साजदीन जब सुबह की नमाज के बाद कुरान पढ़ते तो पानी ले जाने वाले सक्के अपनी पीठ पर मश्क लिए उस वक्त तक आगे न बढ़ते जब तक के तिलावत खत्म न हो। ये शान करात, ये शान करात थी, इरशाद फरमाया अपने लहन को दुरुस्त करना, अपनी आवाज को दुरुस्त करना, पढ़ने में दर्द हो, कैफ हो, जिस कदर आवाज में, तरन्नुम में कैफ पैदा कर सकते हो, कैफ पैदा करो ताकि कुरान सुनने वाला कुरान को सुने और मबहूत हो जाए। कुरान पढ़े तो ये आयतों की तफसीर करें तो ये, फिकह के मसाइल बतलाएं तो ये, तौहीद व अदल व नबूवत व इमामत व क़ियामत पे गुफ्तगू करें तो ये, घर की इज्जत रखें तो ये, और उसके बाद जब यजीद मदीने पे हमला कर दे तो 400 खानदानों को और ऐसी औरतों को जो कसीर औलाद थी अपने घर में छिपाकर दरवाजे पे खड़े हो जाए और कहें खबरदार ये आबिद बीमार का घर है। यह तारीख है वाकई हुर्रा, 400 खानदानों की हिफाजत की है आबिद बीमार ने, 400 खानदानों की, करबला का बीमार, मदीने का मुजाहिद, हाँ लश्कर के मुकाबले में खड़ा हुआ। उसने कहा फरमान-ए रसूल अब जब आपका घर है तो हम दखल नहीं देंगे, जिसको आपने पनाह दी वो आपकी पनाह में है, अल्लाह की पनाह में है, हम कुछ नहीं करना। तो आपने देखा हिफाजत भी यही करते हैं, हिफाजत भी यही करते हैं, इसलिए तकरीर खात्मे पर पहुंच रही है। इमाम मुहाफिज भी है, इमाम आबिदो जाहिदो मुजाहिद भी है, इमाम मुत्तकी भी है, इमाम फिका का दर्स भी दे रहे हैं, इमाम तारीख के मुहाफिज भी हैं, दीन हक के अमानतदार भी हैं, और इन तमाम चीजों के साथ साथ एक वादा दी, और एक वादा ये है कि
ارشاد فرمایا زہری تیرے دل میں یہ تمنا ہے کہ میں تیرے گھر آؤں؟ کا فرزند رسول اسی لیے آیا تھا کہ بیٹے کی شادی ہے، آپ قدم رنجا پر تو اتنا فرمایا کہ زہری بعد کربلا ہم شادیوں میں نہیں جاتے، ہم شادیوں میں نہیں جاتے، ہاں زہری اگر مجھے بلانا ہو تو میرے باغ کی مجلس کرو. دیکھیے اب کس چیز کا قیام ہے اور ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ کہاں لے لیا ہے؟ میرے باپ کی مجلس شادی تو رہی اتنے مقام پر، اس نے ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں میں ندا دینی شروع کی، ارے میرے گھر آؤ غریب کی مجلس، میرے گھر آؤ مظلوم کی مجلس ہے، امام آئیں گے. زہری بیان کرتا ہے کہ میرا اتنا بڑا گھر تھا کہ جہاں ہزاروں راوی اخذ حدیث کے لیے آتے تھے وہاں دل دھرنے کو جگہ نہ تھی، دل دھرنے کو جگہ نہ تھی. اور میں نے ایک مرتبہ ایک منشد کو بلایا، میم نون شین دال اور شین مقصور، منشد یعنی جو کسی اور کا مرثیہ پڑھے، اس کا اپنا مرثیہ نہیں. میں نے منشد کو بلایا اور کہا مرثیہ پڑھ، امام آئے، میں نے صدر دالان میں جگہ دی، مجلس ختم ہوئی. اب میں نے امام کو صدر دالان پہ ڈھونڈا، نہیں ملے، میں پریشان ہوا. اب جو دیکھا تو دیکھا جہاں لوگ جوتے چھوڑتے ہیں وہاں امام بیٹھے ہوئے. کا فرزند رسول کیا ہوا؟ کہا زہری تو نے نہیں دیکھا، میری دادی بھی آئی تھی. اور ان کے احترام میں مجھے یہاں بیٹھنا پڑا. تو یہ ہماری مجلس ہے، یہ ہمارے جشن، یہ ساری رونق عابد بیمار کے دم سے ہے. خداوند عالم آپ کو ہم کو وہ توفیق عطا کرے کہ ہم سید الساجدین کی معرفت کے قابل بن سکے. اللہ ہم کو دولت ایمان سے مالا مال کرے، اللہ ہمارے اموات کو بخش، اللہ ہمارے زندوں پر رحم. حالات نازک کو نازک تر ہیں. اللہ مملکت اسلامیہ پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ ملت کو متحد کر. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.